हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 के पहला लेसन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में अर्थात जीवों में जनन। भाव लोग, आज हम जो भ्रूण का विकास होता है डेवलपमेंट, इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का जो विकास होता है जीवों में, उसके आधार पे जो जंतुओं को एनिमल्स के प्राणियों को जो बांटा गया उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन अर्थात 2 मार्क्स में आपके पूछे जाते एग्जाम में। तो बावरे देखते रहिए, लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। तो बावरे झटाझट फटाफट बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। देखते बावरे, भ्रूण के विकसित होने के स्थल के आधार पर, अर्थात कहने के मतलब क्या बाबूरे, कि जो भ्रूण बनता था, पिछले वीडियो हम देख चुके हैं बाबूरे, आप जाके पिछला वीडियो देख लें, तब आपको ये बेहतर तरीका से समझ में आएगा कि भ्रूण है क्या। तो बाबूरे, भ्रूण के विकसित होने के स्थल के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 2 भागों में विभाजित किया गया, अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइट, साइट माने जगह होती है, स्थल होती है, ये साइट की, साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो, माने बावरे इम्ब्रियो के विकास के स्थल के आधार पर बावरे कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं? तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। सर पहला के नाम क्या है? तो पहला के अंडप्रजक नाम है जिसे कहते हैं ओविपैरस, और दूसरा के नाम है विविपैरस अर्थात सजीव प्रजक कहते हैं। पहला को अंडप्रजक अर्थात ओविपैरस कहते हैं, और दूसरा को विविपैरस अर्थात सजीव प्रजक कहते हैं। एक बार एक करके आपको एकदम साधारण भाषा में बहुत डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। सर अंडप्रजक है क्या? तो अंडप्रजक माने बॉडी, यहां पर लिखा हुआ प्रजक माने प्रदान करना, अंड माने अंडा को, माने वैसा प्राणी, वैसा जंतु जो अंडा देता। आपको यही अति से टॉपिक से आपको पता चल जाएगा, प्रजक माने प्रदान करना या देना, अंड माने अंडा, और वैसा प्राणी जो अंडा देते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडप्रजक अर्थात ओविपैरस कहते हैं। लिखा हुआ है ऐसे प्राणी जो बौरे अंडे देते हैं उस प्राणी को क्या कहते हैं? अंडप्रजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडप्रजक। तो बौरे इसमें होता क्या सर जी? मैंने वैसा प्राणी जो अंडे के तो विकास दे दिया, मैंने बावरे कहने के मतलब क्या, साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, कि सर मुर्गा और मुर्गी होते हैं, तो मुर्गा मुर्गी पे चढ़ते हैं, तो चढ़े मैंने सटे तो सेक्स हुआ, और जब सेक्स हुआ तब मुर्गा का स्पर्म निकल के बावरे उसके ओवम के साथ मिलेगा, और जब अंदर जायगोट बनेगा तो जायगोट से जब बावरे क्या भ्रूण बनता, तो जायगोट से भ्रूण कब बनता? जब जायगोट में समसूत्री विभाजन होता है, और तब बावरे विकसित होकर क्या बनाता था? भ्रूण, इम्ब्रियो। और ये इम्ब्रियो एक अंडा के रूप में, अंडा के अंदर होते हैं इम्ब्रियो, जो भ्रूण होते हैं वो अंडा के अंदर होते हैं, और जो अंडा के अंदर होते हैं बाबूरे उसका विकास बाहरी वातावरण में होता है जब अंडा देता है। तो देखते हैं कैसे होता है, माने ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं उसे अंडप्रजक कहा जाता है अर्थात ओविपैरस, माने इसमें भ्रूण का, इसमें जो भ्रूण का जो विकास होता है बाबू, इसमें भ्रूण का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो अंडा के बावरे अंदर होता है, ईग के अंदर होता है। मुर्गी जो अंडा दिया वो अंडा जब फोड़ेगा तो कर अंदर कुछ ही मिलेगा आपको, भ्रूण मिलेगा। कुछ मिलेगा? भ्रूण अर्थात इम्ब्रियो मिलेगा। तो बावरे इसमें भ्रूण का जो विकास होता है अंडा के अंदर होता है, परंतु मादा शरीर के बाहर होता है। हम जानते हैं सर ऐसा प्राणी, वैसा एनिमल्स जो बावरे अंडे को देता है उसे अंडप्रजक अर्थात ओविपैरस कहते हैं। इसमें कहां जाए? इसमें जो भ्रूण बनते हैं, जब मुर्गा मुर्गी चढ़ते हैं तो निषेचन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, और जायगोट बनता है, और जायगोट से जब भ्रूण बनता है वो भ्रूण अंडा के रूप में शरीर से, बॉडी से बाहर आता है, और वो अंडा के अंदर क्या होते हैं? भ्रूण होते हैं, इम्ब्रियो पाए जाते हैं। तो बावरी इसमें भ्रूण का विकास अंडा के अंदर होता है, परंतु मादा शरीर के बाहर, माने मुर्गी दिया कोची अंडा, मुर्गी क्या दिया बावरी? अंडा। तो बावरी बॉडी के बाहर ही हुआ, मुर्गिया के बाहर ही नहीं हुआ, तो मादा शरीर के बाहर होता। अब आगे समझते हैं, बताओ जो मुर्गी होते हैं या कोई भी पक्षी या कबूतर जो होते हैं वो अपने सुरक्षित स्थान पे अंडा देते हैं ताकि वहां उसको दिक्कत ना हो,
अनुकूलन पर्यावरण को देने में तो लिखल और क्या कि वो भी पैरस एनिमल अर्थात अंड प्रजक प्राणियों के द्वारा माने जो अंडा देने वाले जो प्राणी उनके द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान जो एनवायरमेंट में जो सुरक्षित स्थान होती है जगह होती है वो जगह पर बौरे सेफ प्लेस। सेफ प्लेस माने सुरक्षित स्थान सुरक्षित जगह के पर बौरे क्या फर्टिलाइजर इन द माने जो मुर्गा चला था मुर्गी पर तो फर्टिलाइज हुआ फर्टिलाइजेशन जो अंडा बना वो अंडा सर्जी कहां पर देगा निश्चित अंडे दिए जाते हैं कहां पे दिए जाते हैं सर जी तो सुरक्षित स्थान पे मुर्गी वहीं पर अंडा देगा जहां पे कबूतर वहीं पर अंडा देगा या कोई भी पक्षी वहीं पर अंडा देगा बावरे जहां पे जहां पर वो उसका सुरक्षित हो कोई दिक्कत ना तो बताओ वहां पर क्या देते हैं निश्चित अंडे दिए जाते हैं और जो अंडे देते हैं वो बावरे क्या के बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बनी होते हैं। सर कैल्शियम कार्बोनेट के जो अंडा होते हैं अंडा के जो ऊपर लेयर होती है सर जी वो लेयर वा क्या कोची के बना होता है कवच वा कोची के बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ढके होते कवच से ढके रहते जो ढके रहते कोची बारे वो कवच बना कठोर कवच है ये कठोर कवच तो है तो कोची के बना ले कैल्शियम कार्बोनेट के बना हुआ। तो सर ये जो अंडा दिया और देने के बाद अस्फुटित होकर अस्फुटित माने सभी अपने से फूटकर जब विकसित होगा जब मुर्गी उसमें विकसित हो जाएगा चिंगना जिसे कहते हैं तो मुर्गी के बच्चा जब उसके अंदर विकसित हो जाएगा तो विकसित होने के बाद अपने आप क्या या कोई भी पक्षी के जो बच्चे होते वो विकसित हो जाते हैं तो विकसित होकर कोची बनाता बावरे शिशु बनाता क्या बनाता है शिशु अर्थात कहने का मतलब बेबी बनाते हैं। सर अस्फुटित एक देखो निश्चित निवेशन अवधि के बाद देखो फिर से देखते हैं सर ओविपैरस एनिमल्स अन्य प्रजक प्राणियों के द्वारा जो बौरी पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पे माने अन्य प्रजक जितने भी प्राणी हैं एक पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर वो अंडा देगा और कुछ समय बाद एक निश्चित अवधि के बाद बाद वो बौरी स्फुटित होकर वो अंडा फूट कर वो अंडा क्लियर फूट जाएगा और फूटने के बाद क्या शिशु को क्या देते बौरे जन्म देते हैं क्या देते हैं जन्म देते हैं। परंतु ये पक्षियों में होते हैं सांपों में होते हैं जबकि मछलियों और जो लेयर है बौरे जो कवच है जो लेयर होते हैं जो लेयर होते हैं बौरे कुछ होते हैं लेयर जो लेयर होते हैं वो जो लेयर हो रहे हैं बावरे वो लेयर ओनली फॉर सांप में पक्षियों में पाए जाते हैं सर जबकि मछलियों और उभयचरों के अंडों के ऊपर लिखा हुआ बावरे एकदम डिटेल के साथ बता रहे हैं बावरे मछलियों और उभयचरों के अंडों के ऊपर ऊपर बावरे कैल्शियम कार्बोनेट के कवच नहीं पाए जाता। देखो समझेगा अंडा जो बौरे अति कहने के मतलब क्या जितने भी पक्षी होते हैं वो अंडा देते हैं वो अंडा को ऊपर एक लेयर होता है कैल्शियम कार्बोनेट के। सांप जो अंडा देते हैं सरीसृप उसके ऊपर भी क्या होते हैं कवच होते हैं जबकि जो मछली जो अंडे देते हैं वो अंडे के ऊपर मछली हो या उभयचर हो मछली हो या उभयचर माने बौरे फिश हो चाहे एम्फीबियन हो चाहे फिश हो बौरे इसके जो अंडा जो देते हैं ये अंडा के ऊपर लेयर नहीं होते। तो अब आगे चलते हैं बावरे आपको वो भी पैरस समझ में आ चुका होगा अब आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक भी पैरस कुछ बाबरे भी पैरस अर्थात सजीव प्रजक इसके मतलब पता चल गया होगा कि सर सजीव मने होता है जीव सजीवों को जीव कहते हैं और प्रजक मने प्रदान करना मने बावरे इससे पता यहां पर था अंड प्रजक मने अंडा दिया कुछ दिया अंडा यहाँ पे सजीव प्रजक मने भी पैरस अर्थात कोची दिया बाबू ने सजीव माने कोई भी जीव दिया कोची दिया कोई भी जीव दिया माने समझेगा क्या कि ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा जीव जिनके बॉडी के अंदर भीतर ही क्या भ्रूण का विकास होता है जैसे हम लोग देखते हैं अपना जीवन में लाइफ टाइम में देखते हैं क्या बोल रही है कि कोई भी मनुष्य में जो फीमेल जाति होते हैं वो फीमेल जाति होते हैं तो क्या बच्चों को जन्म देते हैं लेकिन देखना क्या कि जब मानो हम
अब हमारे पत्नी, जब हम सेक्स करेंगे पत्नी के साथ तो फर्टिलाइजेशन तो होगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता था, जायगोट। तो जायगोट का विकास कहाँ होती थी, हमारे मैडम होगा, हमारे मैडम के कहाँ पे होगा, तो बावरे गर्भाशय में होगा, माने यूटेरस में होगा। और जब यूटेरस में होगा तो कुछ निश्चित समय के बाद, माने एक निश्चित टाइम होती है, वो निश्चित टाइम के बाद वो अपने बच्चे को जन्म देगा। क्या समझना सर, सजीव माने कोई भी जीव, अगर जन्म दिया जीव को ही, माने जो मैडम होती है एक बच्चा को जन्म देगा, तो एक प्रकार के जीव नहीं बाबू, तो समझेगा क्या कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के भीतर, भीतर माने अंदर, अंदर कहने का मतलब इनसाइड, कुछ बावरे इनसाइड भीतर ही क्या होता है, जो बावरे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण बनता है, वो भ्रूण का डेवलपमेंट कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर अर्थात कहने के मतलब यूटेरस में होगा। तथा इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, माने कहने का मतलब क्या, निषेचन हम किए अपना मैडम के, माने उससे जो अंडाणु निकला, हम यहां से शुक्राणु बीज निषेचित हो गया, तो अंडे जायगोट बना होगा, जायगोट से बावरे कहां गया, भ्रूण बना, कब बना, जब क्रम समसूत्री विभाजन हुआ था, कल हम बता दिए थे पिछला वीडियो में कि जब क्रम समसूत्री विभाजन होता है तो जायगोट से क्या बनती है, बावरी भ्रूण बनता, और वो भ्रूण जाती है कहां पे, कितने दिन बाद जाता है, तो 7 दिन बाद जाता है, कहां पे, यूटेरस में, माने गर्भाशय में जाता है, तो गर्भाशय में बावरी, समझना, माने जो बच्चा किया जायगोट, जो भ्रूण किया, वो भ्रूण का जो नाभि होता है, नाभि बीच सेंटर, वो नाभि बावरी माँ के गर्भाशय की, यूटेरस की, देखना इधर पे, यूटेरस जो होते हैं, यूटेरस, यूटेरस माने गर्भाशय होता है हिंदी में बाबू। ये गर्भाशय में 3 लेयर होते हैं, कितने लेयर, 3 लेयर होते हैं, वो 3 लेयर में से जो अंदर वाला लेयर है ओकरा नाम एंडोमेट्रियम, क्या नाम है, एंडोमेट्रियम, वही एंडोमेट्रियम देखना, जो भ्रूण है, भ्रूण का नाभिक से जुड़ा हुआ रहेगा, क्या पतला सा रस्सी, ये रस्सी जो पॉइंट होती है उसी को कहते हैं प्लासेंटा, क्या कहते हैं बावरे, प्लासेंटा कहा जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या कहा जाता है, प्लासेंटा लिखल, क्या बावरे कि इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, भ्रूण के विकास के लिए, फीमेल माने मादा के प्लासेंटा माने अपरा, हिंदी में बोला जाए तो अपरा, तो अपरा होता कोई चीज सर जी, जब कोई बकरी जन्म लेता है पटरू, या बावरे कहने का मतलब लेरू, जो गाय से जन्म, जो उसका बच्चा जो जन्म लेते हैं, वो जो जन्म लिए बच्चा, वो बच्चा में देखना क्या, नाभिक से बावरे, या कोई भी मनुष्य से उससे जो संतान जन्म लेते हैं उसके नाभिक में देखना रस्सी के टाइप के जैसे लटका हुआ रहता, और जब लटका हुआ रहता वही प्लासेंटा था बावरे। जब बावरे उम्र गर्भ काल में जब बच्चा बाहर आता है तो माँ के गर्भाशय से अंदर वाले लेयर से एंडोमेट्रियम से छूट जाते हैं, और छूटला के बाद कुछ दिन बाद अपने आप बावरे जब बॉडी के बाहर आते हैं, गर्भाशय से बाहर आते हैं, तो बावरे अपने आप सूख जाते हैं, और सूखने के बाद चाहे टूट जाता है चाहे डॉक्टर के द्वारा उसे काट दिया जाता है। तो समझना कि बावरे ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनके बॉडी के भीतर ही अंदर ही क्या भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, अर्थात तथा भ्रूण के बावरे डेवलपमेंट के लिए फीमेल के प्लासेंटा माने हमारे नाभिक हमारे माँ के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब माँ के साथ जुड़ा हुआ तब माँ के गर्भाशय अंदर जिसका नाम था इंडोमेट्रियम, क्या नाम था बावरे, अंदर वाला लेयर के क्या नाम है, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम जो बावरे गर्भाशय के सबसे अंदर वाला लेयर है, यही लेयर वामी जाके आपका जुड़ जाती है बोरे अंगली नुमा माने माँ के गर्भाशय ऐसे जाके चिपक जाता है, और चिपकने के बाद ब्लड ये प्लासेंटा में प्रवेश करता है, ये कैला के बाद अब उसको भ्रूण के बॉडी में प्रवेश करता है, और तब उसका न्यूट्रिशन मिल पाता है, न्यूट्रिशन कहने का मतलब पोषण मिल पाता है। माने ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिनके बॉडी के अंदर इनसाइड ही भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, और विकास माने तथा भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए जो स्त्रियां होती है प्लासेंटा के द्वारा अपरा के द्वारा भ्रूण को क्या देते हैं बावरे, पोषण देते हैं, माने मावरे क्या तथा इम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फीमेल के बावरे प्लासेंटा से न्यूट्रिशन पोषण मिलता, और फीमेल के फीमेल में प्रसव, प्रसव माने बावरे जो बच्चा को जन्म देते हैं, माने बच्चा जो जन्म देती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रसव, प्रसव है क्या सर जी, तो बच्चा देखो जीव, देखो प्रसव कहने का मतलब क्या कि जायगोट बना,
जायगोट जब भ्रूण बना, भ्रूण का जब विकास हो गया बढ़िया से, तो भ्रूण को बाहरे बाहर की ओर निकलने के लिए, और जो निकलती है निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं, प्रोसेस। गर्भावस्था प्रसव की प्रोसेस के द्वारा, क्रिया के द्वारा कोई भी बच्चा क्या जी लेती है जन्म। अगर प्रसव नहीं हुआ, जब उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं उत्पन्न होगा, रिलैक्सिन हार्मोन नहीं उत्पन्न होगा, तो बच्चा जन्म ले पाएगा नहीं ले पाएगा। तो बॉडी प्रसव करने के लिए बॉडी से, बॉडी माइंड में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये मास्टर ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। और जब ये स्रावित होता है बाबरे, जब ये स्रावित होता है जब ये स्रावित होता है देखो बावरी, जब ये क्या होती है स्रावित होता है, तो बावरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से, तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है बाबूरी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मौर्य पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है, किसमें, ब्रेन के अंदर। और जब पाई जाती है तो उस ब्रेन पिट्यूटरी ग्रंथि से मौर्य ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं, और जब स्रावित होते हैं तो उस बॉडी में जो प्लेसेंटा होती है इंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ वो छूटता, छूटने के बाद दर्द देता, तो छूटेगा तो दर्द देगा ही, और जब दर्द देगा तो फिर समझो बॉडी जब छूटता है तो छूटने के बाद दर्द होता है, और दर्द होता है तो हम लोग पहचान जाते हैं, एक आध दो घंटा बाद वो बच्चा को जन्म मिल जाता है, तो नोटिफिकेशन जारी करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बॉडी नोटिफिकेशन जारी करता है मानी इससे छुड़ाने के काम करता है, तब जब छूटेगा तो दर्द तो देगा, और जब छूटेगा तो दर्द देगा, तो नोटिफिकेशन जारी होगा कि बच्चा होने वाला है, तो दो घंटा पहले बॉडी नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, और उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है, कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन, सर किकरा से, तो बावरी कॉपर ल्यूटियम ग्रंथि से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तब बॉडी को आराम मिलता है, और जब बॉडी को आराम मिलता है तो बच्चों को जन्म दे पाता है। तो बावरी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके बॉडी के अंदर ही भीतर क्या होता है, बावरी भ्रूण का विकास होता है, तथा भ्रूण के विकास के लिए फीमेल के प्लासेंटा से बावरी न्यूट्रिशन पोषण मिलता है, और फीमेल के बावरी पार्टुरेशन माने बावरी प्रसव की क्रिया के द्वारा क्या ये बच्चों को जन्म दे पाता है, जन्म दे दिया जाता है, वह क्या कहलाता है बावरी, बीबी पैरस कहलाता है, क्या कहलाता है, बीबी पैरस कहलाता है, क्या कहलाता है बावरी, बीबी पैरस कहलाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि बीबी पैरस उसी को कहा जाता है जो जीव को जन्म देते हैं सर, और जो जीव को जन्म देते हैं तो कर जो माता होते हैं, माता माने फीमेल, वो जो फीमेल होते हैं सर जी, जो फीमेल होते हैं ना वो फीमेल के द्वारा बॉडी उस बच्चों को पोषण दिया जाता है प्लेसेंटा के माध्यम से। अब आगे समझिए सर, एग्जांपल लेकर कुछ होगा, तो जितने भी स्तनधारी होते हैं जैसे मनुष्य खरगोश चूहा जानवर किसी, देखना जानवर में गाय सभी में बच्चे को जन्म दे, जो बच्चों को जन्म देती है चूहा खरगोश कुत्ता जो डॉग होती है बकरियां गाय भैंस जितने भी एग्जाम्पल है बावरे सभी के दो बच्चे में देखना क्या जो जन्म लेती है उसके नाभिक से इतना बड़ा रस्सी के टाइप का जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को प्लेसेंटा, उसी प्लेसेंटा के माध्यम से उसको पोषण मिलता था। और समझते क्या गर्भधारण अवधि क्या है, गर्भधारण अवधि कहने का मतलब क्या कि जो गर्भकाल हम लोग कहते हैं कितना टाइम का होता है सर, जो होता क्या, तो सर जायगोट के निर्माण जो बारे फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनता, युग्मनज के निर्माण माने फॉर्मेशन से बच्चों को जन्म तक के टाइम को क्या कहते हैं, माने जो बावरी निषेचन किए हम, निषेचन कहला के बाद जो 9 महीना बाद जो बच्चा जन्म लिया, इस जो टाइम हुआ जन्म लिया या निषेचन की और जन्म लिया उस टाइम को ही जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं बावरी गर्भधारण अवधि। माने हम यहाँ पे निषेचन किए और जिस दिन बच्चा जन्म लिया तो बावरी जहना निषेचन किया जहना जन्म लिया उस टाइम को बीच वाले टाइम को क्या कहते हैं बावरी गर्भधारण अवधि कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। युग्मनज के फॉर्मेशन से शिशु के जन्म के तक के टाइम को क्या कहते हैं बावरी गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, अर्थात गर्भधारण अवधि कहा जाता है।
सर जब प्रसव के बाद, यहां लिखा हुआ है क्या, प्रसव के बाद जो देखना, क्या ऐसा तो ना होता बाबूरी कि हम बच्चा को जन्म दिए, माने जो हमारे पत्नी बच्चा को जन्म देगी और बच्चा को छोड़ देगा। तो लिखा ले देखो, उस समय था क्या कि जो साप इसव जो होते हैं वो बच्चा को जन्म दे देते हैं और उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बाबूरी क्रम होता क्या कि प्रसव के बाद शिशु की देखभाल, माने जो बच्चा जन्म लेते बाबूरी वो देखभाल तथा संरक्षण से जीवी पैरस ऑर्गेनिज में जीवों की जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं। कभी सुना है बाबू कि बाबूरी जो बच्चा जन्म लेता है वो जन्म वाला बच्चा जल्दी नहीं मर पाता, लेकिन देखना अंडा है, ये अंडा से चार गो मुर्गी बच्चा जन्म दिया, ओग्राम से चार गो में से लगता है दुइये गो बच पाता है। लेकिन जो मनुष्य या जो कोई भी जानवर हुआ अगर बच्चों को जन्म देता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ध्यान देता बहुत ज्यादा, और जब ध्यान देता पालन पोषण करता है, तो पालन पोषण करता है तो उसकी मृत्यु जल्दी होगा नहीं होगा। तो लिखा है कि प्रसव के बाद माने बच्चा को जन्म देने के बाद शिशु के देखभाल तथा संरक्षण माने सेफ्टी से बीबी पैरस जीवी को जीवित रहने का अवसर, माने जीवों के जीवित रहने का मतलब जब भी मरता है मरने की संभावना कम होती है, अगर जन्म ले लिया तो मरने की संभावना उसको कम होता है। जबकि जो मुर्गियां या कोई भी पक्षी जो साफिस होती है वो तो बच्चों को जन्म दे दिए, लेकिन बच्चे के मरने की भी संभावना भी बहुत ज्यादा रहता है। तो इतना समझ में आ गया होगा बाबूरी। देखो बात क्या है कि बाहरी भ्रूण के विकास के आधार पर जंतुओं को दो भाग में बांटे थे, एगो बीबी पैरस एगो ओबी पैरस। बीबी पैरस अंड प्रजक कहते हैं और ओबी पैरस अंड प्रजक कहते हैं बीबी पैरस जीव। ये अंडा देता था, ये जीव को जन्म देता था। इसमें अंडा का विकास एक निश्चित पर्यावरण के स्थान पर होता था। तीसरे बाहरी भ्रूण का विकास बड़ी बॉडी के अंदर ही होता है, ये बॉडी के बाहर होता है, लेकिन बॉडी के बाहर होता है तो ये अंडा को होता है, अंडा कैल्शियम कार्बोनेट के बनता है, इसमें बॉडी के अंदर ही होता है। सर जब बॉडी के अंदर था तो एकरा पोषण मिलता था, ओकरा अनुकूलन वातावरण मिलता था, दिक्कत तो बाउरे ढके रहते कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल होता है क्या, सरीसृप होता है, सर की पक्षी होता है, मछली होता है, उभयचर होता है। इसका एग्जांपल होता है कि सभी स्तनधारियां, अधिकतर स्तनधारियां जो होती है जैसे मनुष्य खरगोश चूहा जानवर इत्यादि ये सब होते हैं। देखो बाउरे एक तो सारी बोलते क्या कि हम चाहते हैं क्या कि हमारा किस्मत नहीं कहता है, बहुत आदमी को बहुत स्टूडेंट की भी सुने या बहुत जो होते हैं कहता है किस्मत हमारा साथ नहीं देगा। किस्मत कहीं साथ नहीं देगा कैसे? किस्मत तो साथ देगा। कहते क्या किस्मत साथ नहीं देता बौरी, किस्मत उसी को साथ देता है। किस्मत तभी पलटता है किसी व्यक्ति को जब वो क्या ईमानदारी पूर्वक से मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद जो उसका परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसके लिए बेहतर मिलता है। तो कहने का मतलब क्या बाउरे कि किस्मत की एक कमाल की बात है, किस्मत भी एक कमाल की बात है बाउरे कि यह पलटती तो जरूर है, यह पलटती किस्मत भी एक कमाल की बात है, यह पलटती जरूर है लेकिन मेहनत के दम पर पलटती बाउरे। तो मेहनत करो आपको भी रिजल्ट 450 प्लस अर्थात 90% प्लस रहेगा बाबूरे। तो आप पढ़ते रहें, याद करते रहें और बाबूरे लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाबूरी आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। और जो पिछला वीडियो को नहीं देखा होगा वो जाके पिछला वीडियो को देख लें और बाबूरी नोट्स बना लें ताकि आपको जो एग्जाम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम उसमें आपको ऑब्जेक्टिव, खासकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल कोई बना देता है लेकिन ऑब्जेक्टिव को टिक करना, करेक्ट से ऑप्शन भरना दिक्कत होती है बाउरी। तो समझ में आया कि बाउरी किस्मत तभी पलटती है जब आप मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे तो आपको 450 पार होगा, और जब 450 पार अर्थात 90% पार, और 90% पार तो फिर आप टॉपर है आप अपना एरिया के लिए। तो जय हिंद जय भारत।